वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा डे सेकंड एंड मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज ये मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक फाउंडेशन। नाउ मैंने आपको पोल करके पूछा था कि आपको कौन सा वीडियो पहले देखना है एंड 75% लोगों ने कहा था कि आपको ये मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक का रिव्यू देखना है। सो आई एम देयर। आज मैं ये स्टिक फाउंडेशन को रिव्यू करूंगी एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। तो ये एक बहुत ही क्यूटी पीच काइंड ऑफ कलर में आता है एंड यहाँ पे आपको लिखा है मेकअप रेवोल्यूशन इतना ही लिखा है एंड यहाँ पे फास्ट बेस स्टिक फाउंडेशन एंड मेरा शेड है इसमें F9। इसे अमेजोन से परचेज किया है था। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा मुझे शेड ऑप्शंस मिले नहीं, उधर बहुत ही कम शेड्स थे, या फिर मैं F8 लेती या फिर F10 लेती। बिकॉज लेट मी टेल यू, फर्स्ट मैं आपको स्वॉच दे दूँ तो आपको बेटरली समझ आएगा। यू कैन सी मेरे हैंड के कलर से तो मैच करना छोड़ ही दीजिए बिकॉज मेरा हैंड जो है बहुत ज़्यादा टैन है मेरे फेस के साथ। लेकिन अगर आप इसे एकदम क्लोजली देखोगे ना तो ये एक पीची पिंकी सा टोन है, ज़्यादा इसमें पीच टोन्स है विथ सम पिंक अंडरटोन्स एंड मेरी स्किन जो है न्यूट्रल अंडरटोन की है या फिर येलो टोन की है, तो इसलिए इसका जो अंडरटोन है वो मुझे अच्छे से मैच नहीं करता है। बट क्योंकि मैं एकदम येलो टोन की भी नहीं हूँ, न्यूट्रल टोन की, इसलिए यू नो मेरा काम चल जाता है पीची शेड से। बट इससे अच्छा शेड मैच हो सकता था तो ये मेरा इतना अच्छा शेड मैच नहीं है। अभी भी मैंने इसे ही अप्लाई कर रखा है तो आप ही मेरे फेस पे देख सकते हो, मैंने कोई भी कंसीलर पाउडर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट आई मेकअप है थोड़ा एंड लिपस्टिक। अब आप डेमो देख लीजिए एंड उसके बाद हम बाकी सारी बातें करेंगे। आपने डेमो जो है देख लिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, उसके वजह से ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। बट एट द सेम टाइम ये है तो एक स्टिक फाउंडेशन ना, तो जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ ब्लेंड करना इजी है, बट आपको जो है ड्रैग करना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, तो आप डैप डैप करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा एंड प्लस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपका जो कवरेज है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आपको हार्डली मीडियम कवरेज मिलता है स्पंज के साथ। वेरस जब आप ब्रश के साथ ब्लेंड करोगे, क्योंकि क्रीमी चीज़ें जो है ब्रश के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, तो ये 2 सेकेंड में लाइक एकदम ईजिली जो है ब्लेंड हो जाता है। उसके अलावा भी ये आपको बहुत अच्छा कवरेज देता है। फर्स्ट लेयर में आई कुड से आपको मीडियम या मीडियम से थोड़ा ज़्यादा कवरेज मिलेगा अगर आप ब्रश यूज़ करते हो एंड आप इसे ईजिली बिल्ड कर सकते हो, आप इसे फुल कवरेज तक लेके जा सकते हो। बट आप इसे 2 ही बार बिल्ड कीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा केकी सा लगेगा आपके फेस पे, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नेक्स्टली इसका जो फिनिश है वो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीमली ड्यूई फिनिश है, आप देख सकते हो मेरी स्किन पे, मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हूँ, आपको ये शाइन दिख रही है। अब मैंने कोई भी हाईलाइटर वगैरह नहीं अप्लाई किया है बट स्टिल यू कैन सी दिस शाइन क्योंकि ये एक्सट्रीमली ड्यूई फाउंडेशन है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको बेक करना या फिर आपके फेस को एक मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट के साथ सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपका फेस ऐसे ड्यूई दिखेगा। बट मुझे ऐसे ड्यूईनेस पसंद है, लेकिन मैं सेट ज़रूर करूँगी क्योंकि अगर मैंने सेट नहीं किया तो फिर ये जो है इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा मेरी स्किन पे एंड ऑल्सो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है बिकॉज विंटर्स है, इसलिए आई एम ओके विथ इट। बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है या फिर आप समर्स में इसे यूज़ कर रहे हो तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपकी स्किन पे जो है मेल्ट हो जाएगी एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो फिर ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लो देगी आपके फेस पे। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर आप चाहते हो कि ये आपके फेस पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आप आपके फेस को ज़रूर से सेट कर लेना।
करूँ इसकी लॉन्जिटिविटी की एंड अगर आपने आपके फेस को सेट नहीं किया एंड आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है तो ये स्टिक आपके फेस पे हार्डली 4 to 5 hours रहेगी, उसके बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 5 to 6 hours, 1-2 घंटा और ज़्यादा अगर आपने सेट नहीं किया है। एंड अगर आपने अच्छे से सेट किया है एंड आपकी ड्राई स्किन है तो 7 से 8 घंटे तक ये फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन स्टिक आपके फेस से कहीं नहीं जाएगी। एंड आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा ड्यूई एंड स्वेटी लग रहा है बिकॉज मेरी स्किन है ही ऑयली एट द एंड, तो मुझे इसे सेट करना ही पड़ेगा। मैंने अभी सेट नहीं कर रखा है तो यू कैन सी दैट ग्लो जो थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है अभी। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये 5 से 6 घंटा मैक्स, इससे ज़्यादा ये आपके फेस पे नहीं रहेगा बिकॉज इट्स टू ड्यूई। जब मैंने ये स्टिक देखा था तो मुझे लगा कि अरे यार ये स्टिक फाउंडेशन है तो ये शायद बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग होगा, लेकिन ये पूरा उल्टा निकला इसका, इट्स एक्सट्रीमली टू ड्यूई। तो अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ ये कॉम्पैक्ट लाइक पाउडर के साथ, तो आपको एक अच्छा बेटर आइडिया मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ब्राइटनिंग पाउडर है इसलिए आपको ये साइड ब्राइट दिख रही होगी, बट इफ़ यू कैन सी ये साइड अभी भी ड्यूई ड्यूई लग रही है यहाँ पे, लेकिन ये साइड देख सकते हो आप टोटली मैट लग रही है बिकॉज ये पाउडर काफ़ी अच्छा है, ये वेट एंड वाइल्ड का है। लेकिन स्टिल मैंने जब सेट किया है अभी अपने फेस को तो 2 से 3 घंटे तक ये मैट रहेगा, उसके बाद मुझे टचअप करना पड़ेगा पाउडर के साथ टू सेट इट लाइक कम्प्लीटली मैट। तो मैं इस साइड भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे ये फाउंडेशन स्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये एकदम गो टू स्टिक है आपकी। अगर आप हरी में हो या फिर आप आपका मेकअप कोई गाड़ी में वगैरह कर रहे हो तो आप जस्ट इसे कैरी कर सकते हो बिकॉज इट्स ट्रैवल फ्रेंडली एंड आप जस्ट इसे डैब डैब कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ब्रश रखना है तो आप ब्लेंड भी कर लोगे ईजिली या फिर फिंगर्स के साथ भी ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है। मैंने फिंगर्स के साथ भी ट्राई किया है, बहुत ईजिली जो है ब्लेंड हो जाती है एंड एकदम गो टू है, आपको कंसीलर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं इस स्टिक को 5 में से 4 रेट करूँगी, दिस इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सिर्फ मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मेरा शेड अगर मुझे अच्छा मिल जाता तो आई थिंक ये एकदम बेस्ट स्टिक होती मेरे लिए, या फिर मैं कहूँ मेरे लिए होली ग्रेल फाउंडेशन हो जाता था ये। सो आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल रहा। तो अगर आपने ये स्टिक ट्राई की है मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसी लगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।